आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। काले कृषि कानून वापस होने पर मनाया जश्न, बांटी मिठाइयां। मोदी सरकार के 3 काले कृषि कानून वापस की घोषणा के साथ देश के किसानों में जश्न का माहौल है। बिजावर में भी जन विकास संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य अमित भटनागर के नेतृत्व में बिजावर क्षेत्र के किसानों ने बिजावर बस स्टैंड पर ढोल नगाड़ों के साथ किसान एकता के नारे और मिठाइयों का वितरण कर जश्न मनाया। अमित भटनागर ने कहा कि सरकार ने अलोकतांत्रिक तरीके से जो कृषि कानून पास किए थे उसके जवाब में किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लंबा विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों किसानों ने अपनी शहादत दी। अंततः विरोध के आगे झुककर सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े। अमित ने कहा कि ये केवल किसानों की जीत नहीं है, ये लोकतंत्र की जीत है, देश की जीत है। किसान नेता घनश्याम पटेल व बहादुर आदिवासी ने बताया कि कृषि कानून वापस की खुशी पर रविवार 21 नवंबर को पूरे जिले में रैली निकाल जश्न मनाया जाएगा। जश्न कार्यक्रम में राहुल अहिरवार, बबलू कुशवाहा, हिसाबी राजपूत, दलुआ आदिवासी, दशरथ यादव, दीपक अहिरवार, लखन अहिरवार, प्रकाश चंद्र सूर्यवंशी आदि किसान व सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मोदी सरकार ने 3 काले कृषि कानून जो पास किए थे उन कृषि कानूनों को वापस लिया है और आज पूरे देश के किसानों में जश्न का माहौल है। जन विकास परिषद के तत्वाधान में आज किसानों ने यहाँ पर बिजावर बस स्टैंड पर खूब जोरदार नारे लगाए किसान एकता के और आज मिठाइयाँ बांटी, ये जश्न बनाया है। हमारा ये कहना है कि ये सिर्फ किसानों की जीत नहीं है, ये सरकार की जिद के ऊपर लोकतंत्र की जीत है, इस देश की जीत है और नागरिक शक्ति की जीत है। आज हमारा लोकतंत्र विजयी हुआ है, सरकार की जिद हारी है और हम किसानों को, मजदूरों को और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे।